में हम आपको बताएंगे कि आप अपने लैपटॉप के स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको हम तीन तरीका बताने वाले हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, ये देखिए। सबसे पहला तरीका है कि यहाँ पे आप जितना भी डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, ये सब फाइल जितने भी हैं, इसमें जो काम की नहीं है, जो अनवांटेड है, उसको यहाँ से आप डिलीट कर दें। डिलीट करें, या डिलीट अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इसको आप क्या करें, यहाँ से हटा करके अपने यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं दिस पीसी को ओपन करेंगे तो आपको किसी भी ड्राइव में इसको रिमूव कर दें। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जाना है, दिस पीसी को ओपन करना है। और दिस पीसी को ओपन करेंगे तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, हमने विंडोज इंस्टॉल किया है, तो हमारा जो विंडोज इंस्टॉल हमने किया है तो हमारा जो कंप्यूटर का मेमोरी है 237 GB का है, तो हमने 181 GB इसमें यहाँ पे फ्री रखा है। तो इसको कोशिश करें, लोकल डिस्क को कोशिश करें कि इसको कम से कम आप रखें और फ्री ज़्यादा रखें। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है विंडो में और यहाँ पे सर्च करना है कंट्रोल पैनल। तो जैसे आप कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे प्रोग्राम पे जैसे जाएंगे तो प्रोग्राम पे जाते ही यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रोग्राम फीचर्स और डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम। इसमें भी आपको नहीं जाना है तो फिर जाना कहाँ है, तो यहाँ पे हमें देखना है सिक्योरिटी है, नेटवर्क है, हार्डवेयर साउंड है, प्रोग्राम है, यूज़र, ये सब भी नहीं है। तो हमें जाना है फाइनली प्रोग्राम पर, और इसके बाद यहाँ पे हमें जाना है प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम पे। हम क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो फिर हमें जाना है प्रोग्राम फीचर्स में। हाँ, तो प्रोग्राम फीचर्स में जैसे जाएंगे, ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाले प्रोग्राम फीचर्स में आपको जाना है। तो यहाँ पे जो भी आपका पहले आपने अनइंस्टॉल किए हुए हैं वो सब आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर फाइल मिल जाती है, जो आप यूज़ नहीं करते हैं, तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो स्पेस फ्री होगा, और स्पेस फ्री होने से भी आपके लैपटॉप फास्ट चलेंगी। तो हमने यही बताने की कोशिश की कि कैसे आपकी लैपटॉप फास्ट चलेंगी। तो अगर यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो हम उसका आपको जवाब देंगे। तो अगर यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।